नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। प्लांट टैक्सोनॉमी का आपका और प्लांट टैक्सोनॉमी एंड प्लांट फैमिलीज का आपका फोर्थ लेक्चर है। ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, आप जानते हैं सभी। उसके अलावा आपका एचपीएससी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का भी एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, और कुछ एक दिनों में एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। तो सबसे पहला तो ये आपका खुद का चैनल है और आपको ही सब्सक्राइब करना है, आपको ही इसको आगे ग्रो करना है। तो देर किस बात की है, अभी तक 6 ही सब्सक्राइबर हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत करके आपके लिए ये कंटेंट लेके आए हैं ताकि ज़रूरतमंद बच्चों को तक ये पहुंच सके। तो मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। आपका आपका अपना वो है, ये चैनल है, आप खुद के भी लेक्चर डाल सकते हो। कोई बच्चा मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अगर वो खुद के कोई लेक्चर डालना चाहता है, इस मुहिम से जुड़ना चाहता है, तो वो खुद भी आप अपने लेक्चर दे सकते हो, ठीक है। खुद आप अपलोड कर सकते हो, आपको मतलब पहले ये जो यूट्यूब चैनल है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा पासवर्ड के साथ, लेकिन आगे बढ़ाना किसका काम है वो आपका काम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। इन सीरीज हेट्रोमेरी सीरीज है, उसमें जो फ्लावर है उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? हाइपोगाइनस होंगे, ओवरी मतलब क्या है, सुपीरियर है। ओवरी सुपीरियर का मतलब क्या है, जो पोजीशन है ओवरी की वो असेसरी ऑर्गन से ऊपर की तरफ होती है, और इसमें 2 से ज़्यादा कार्पल आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन द ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज नॉट अवेलेबल। ओरिजिनल जो आपने मटेरियल कलेक्ट किया वो अवेलेबल नहीं है। एंड अनदर स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द लोकेलिटी, लेकिन आपने कोई दूसरा स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया लोकेलिटी से, इज चूजन टू सर्व एज सर्व करने के लिए पर्पज़ के लिए, तो उसको बोलेंगे हम टोपोटाइप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेट्राडाइनमस कंडीशन ऑफ स्टेमन्स इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। टेट्राडाइनमस कंडीशन का मतलब क्या होता है? देखिए, टेट्राडाइनमस कंडीशन में 6 स्टेमन होती हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा। 6 आपकी क्या होती हैं, स्टेमन्स होती हैं, जिनमें से 2 छोटे टुकड़ों में होती हैं, गुच्छों में, और 4 बड़े गुच्छों में होती हैं। तो ये होती है टेट्राडाइनमस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मायरोसिन ग्लैंड जो होती है वो आपकी कहाँ पर मिलती है? आर फाउंड इन, मायरोसिन ग्लैंड आर फाउंड इन क्रूसीफेरेसी। क्रूसीफेरेसी फैमिली में मायरोसिन ग्लैंड मिलती है। मायरोसिन ग्लैंड आर फाउंड इन क्रूसीफेरेसी फैमिली। कमेंट सेक्शन में बता देना इसका क्रूसीफेरेसी फैमिली का दूसरा नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप APJ4 वाज पब्लिश्ड इन, किस साल ये पब्लिश हुआ था? 2016 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीसार्का। एम्फीसार्का क्या है आपका, फ्रूट का क्या है, टाइप है। जब आप फ्रूट के टाइप पढ़ते हो डिटेल में, वहाँ एक एम्फीसार्का आता है। तो एम्फीसार्का का एग्जाम्पल एजल मार्मलोज होता है इसका, एगल मार्मलोज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्मैरोइड फ्रूट का एग्जाम्पल आपका कौन सा है, स्मैरोइड का, तो ये हो जाएगा सोरोया रोबस्टा, साल का जो पौधा होता है, ठीक है, तो वो होगा सोरोया रोबस्टा, स्मैरोइड फ्रूट का एग्जाम्पल। वेजिटेटिव प्रोपेगेटिंग लीफ बर्ड आर फाउंड इन, वेजिटेटिव लीफ बर्ड कहाँ पर मिलती हैं आपको, ब्रायोफाइलम में आपको मिलती हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेटिंग लीफ बर्ड आर फाउंड इन ब्रायोफाइलम। द साइपोनस स्ट्रक्चर इन ट्रापा फ्रूट आर फाउंड इन, तो साइपोनियस स्ट्रक्चर होता है ट्रापा फ्रूट में, वो कहाँ पर मिलता है, सेपल्स में। द साइपोनियस स्ट्रक्चर इन ट्रापा फ्रूट इज फाउंड इन सेपल्स। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? गाइनोस्टिजियम कैलाट्रोपिस एक्टा में मिलेगा, एक्सेलपिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पेपो जो आपका फ्रूट है वो कुकुरबिटा का होता है, ये भी ठीक है। सिंजनेसिस कंडीशन जो आपकी है वो ट्राइडेक्स में मिलती है, ये भी सही है। तो सिलिकुआ जो कंडीशन है एजरेटम में ये नहीं मिलता, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रूट विद परसिस्टेंट एरी स्टाइल आर फाउंड इन। परसिस्टेंट एरी स्टाइल आपके मिलते हैं क्लेमेटिस में या फिर नारवेलिया में, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंकोनस जो फ्रूट है वो डेवलप होता है आपके किस इन्फ्लोरेसेंस में? आइपनथोडियम जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वहाँ से आपका सिंकोनस फ्रूट टाइप ऑफ फ्रूट डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट इन बोहेरेविया एंड जेंथियम, तो डिस्पर्जल होगा फ्रूट का जेंथियम या फिर बोहेरेविया में, वो कैसे होगा? तो होगा एनिमल्स के थ्रू। डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट इन बोहेरेविया एंड जेंथियम इज बाय एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिगाइनस फ्लावर विद न्यूमरस स्टेमन्स। एपिगाइनस फ्लावर है, काफ़ी सारी स्टेमन्स हैं, वो किस में मिलता है आपको? एपिगाइनस फ्लावर विद न्यूमरस स्टेमन्स आर फाउंड इन मायरेटेसी फैमिली। कहाँ पर मिलेगा आपको? मायरेटेसी फैमिली। एपिगाइनस फ्लावर विद न्यूमरस स्टेमन आर फाउंड इन मायरेटेसी फैमिली। प्लांट विद लेटेक्स, प्लांट में लेटेक्स है, कोडेक्स कैलिक्स है, न्यूमरस स्टेमन्स हैं,
प्लांट विद लेटेक्स है आपके पास, उसमें कोडेसियस टाइप ऑफ कैलेक्स है या न्यूमरस स्टैमंस है, वो आपका मिलेगा आर्जिमोन मैक्सिकाना। कहाँ पर मिलेगा आपको? आर्जिमोन मैक्सिकाना में। नेक्स्ट आपका प्लांट विद लेटेक्स, प्लांट के पास क्या लेटेक्स है एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। प्लांट विद लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन यूफोर्बिया या फिर फाइकस, दोनों जगह पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? ठीक है, वो हो जाएगा आपका ट्राइडेक्स, आपका कैपिचुलम इनफ्लोरेसेंस होती है, ये आपका सही है। ओसिमम यानी तुलसी में वर्टिस लस्टर होती है, तो ये नहीं हो सकता। रेवेनेला में स्पेडेक्स होती है, वर्टिस लस्टर नहीं होती। रेनुनकुलस में ये अंबल नहीं होगी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोलाइन कोरोना एंड स्टेमनाइल कोरोना इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, जो कोरोलाइन कोरोना या स्टेमनाइल कोरोना है ये आपका कहाँ पर मिलता है? तो कैलाट्रोपिस गिगेंटिया में आपका मिलता है। एपिपेटलस और सिंजेनेसिस स्टेमन किस में मिलती है? दोनों कंडीशन, एपिपेटलस भी और सिंजेनेसिस भी, एस्ट्रेसी फैमिली में मिलती है। एस्ट्रेसी फैमिली का दूसरा नाम कमेंट सेक्शन में बता देना क्या है। चलिए, यह अल्टरनेट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई कार्पली सिन कार्पस यानी फ्यूज है, सुपीरियर ओवरी हाइपोवेनस कंडीशन है विद गायनोबेसिक स्टाइल, करेक्टरिस्टिक किस फैमिली का? तो लेमियसी फैमिली का ही करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्बिनेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कम्बिनेशन करेक्ट है? तो वांडा रोस वर्गाई है आपका, इसमें गाइनोस्टिजियम मिलता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द मिसमैच, मिसमैच आपको पता करना है। अजाड एक्टेंडिका नीम मालियसी फैमिली से सही है, सजेजियम एरोमेटिकम मैरिटेसी से है, सही है। ईगल मार्मलोज रोटेसी से, ये भी सही है। टमेरेंडस इंडिका वर्बीनियसी से नहीं है, इमली जो होती है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ओपोजिट डेसिक्वेट और स्टिपुलेट लीव्स किस में मिलते हैं? तो ये आपकी रूबेसी फैमिली में मिलते हैं, ठीक है, रूबेसी, अपोजिट डेसिकेंट स्टिपुलेट लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड हेड इनफ्लोरेसेंस, हेड इनफ्लोरेसेंस कंपाउंड काइनोपस में आपको मिलती है, बोटनिकल नेम ऑफ प्लांट टच मी नॉट, मिमोसा पुडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज हैज वेसल लेस जेनरा, एंड इनमें से किस फैमिली में वेसल नहीं होती है? विंट्रेसी जो फैमिली है उसमें वेसल नहीं होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेपेवरेसी जो फैमिली है, पी फॉर पेपेवरेसी, पी फॉर पेराइटल, पी फॉर प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, कि भाई किस तरीके से वो आपके अरेंज है। द मिल्की लेटेक्स रिलीज फ्रॉम कैलाट्रोपिस प्रोसेरा, तो मिल्की लेटेक्स आपकी रिलीज होती है कैलाट्रोपिस प्रोसेरा से, वो होती है रिच इन एंजाइम प्रोटीएज। द मिल्की लेटेक्स रिलीज फ्रॉम कैलाट्रोपिस प्रोसेरा इज ए रिच इन एंजाइम प्रोटीएज में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिसमैच, मिसमैच आपको आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग ट्री एंड फैमिलीज का, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइडम गुजावा मैरिटेसी सही है, स्वेटाइनिया मैगोनी मेलियसी सही है, मुराया कोंगनी मेलियसी, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोल्चिसिन प्रोड्यूसिंग प्लांट कोल्चिसिन ऑटोमिनल किस फैमिली को बिलोंग करता है? लिलियसी अगर ऑप्शन में है, अब इस लिलियसी फैमिली से हटा के इसको कोल्चिसिलेसी फैमिली में डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज आज यूनिलोक्युलर सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी मतलब हाइपोगाइनस और यूनिलोक्युलर यानी एक ही लोक्युलर, तो इस तरह की ओवरी आपको मिलती है पेपेवरेसी फैमिली, पैराटल प्लेसेंटेशन पेपेवरेसी फैमिली में। एडिबल जो पार्ट होता है ना कार्डियम ऑक्सीडेंटाले का, वो होता है कोटिलेडन खाते हम या फिर उसका थैलेमस कंज्यूम करते हैं। मल्टी कार्पलरी है आपकी, एक से ज़्यादा कार्पल है, एपोकार्पस यानी फ्री हैं, गाइनोसियम सुपीरियर हाइपोगाइनस कंडीशन, ये सारे फीचर्स किसके हैं? रेनुनकुलेसी फैमिली के ये आपके फीचर्स हैं, मल्टी कार्पली हाइपोकार्पस गाइनोसियम विद सुपीरियर ओवरी। इन इज द फॉलोइंग फैमिलीज ओवल्स आर लैकिंग, किस फैमिली में ओवल्स नहीं होते? बेलानोफोरेसी फैमिली में ओवल्स नहीं होते, वेसल्स आपके किस में नहीं होते? ऊपर अभी आप विंटरेसी फैमिली पढ़ के आए हो। पैपस जो है आपका मॉडिफिकेशन है किसका? सेपल का, पैपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल। द जीनस फैबा बिलोंग टू फैमिली, फैबा जीनस आपका लेगमिनेसी फैमिली में बिलोंग करता है। मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली पोजेस पोलेनिया, किस फैमिली के मेंबर में पोलेनिया होते हैं आपके, ठीक है। तो एक्सेलपिडेसी के जो फैमिली है उसमें पोलेनिया होते हैं, अगर ये सब फैमिली हो गया एक्सेलपिडेसी एपोसेनेसी के अंदर ही डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट है फ्री ओवरी है बट फ्यूज स्टाइल है एंड स्टिग्मा है, फ्री ओवरी है और उसका क्या है आपका? फ्यूज स्टाइल एंड स्टिग्मा, तो कैलाट्रोपिस का ही हो जाएगा आपका।
प्लांट हैज फ्री ओवरी बट फ्यू स्टाइल एंड स्टिग्मा कैलेट्रोपिस टू हाउ मैनी फैमिलीज ये जो वेजिटेबल नीचे दी हुई है बिलोंग करती है। तो पी सोयाबीन लेगमिनेसी एक प्रकार की फैमिली, रेडिस कैलीफ्लावर कैबेज ये एक प्रकार की फैमिली में, पोटैटो टोमेटो सोलेनेसी एक प्रकार, यानी टोटल तीन प्रकार की फैमिली में ये बिलोंग करते हैं। द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, नेचुरल सिस्टम आपका दिया था बेंथम एंड हुकर। होली फ्लोरी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑन ओल्ड स्टेम फ्रॉम डोरमेंट बड, डोरमेंट बड से ओल्ड स्टेम पे प्रोडक्शन होना फ्लावर का इज नोन एज होली फ्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिबल पार्ट ऑफ पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट जो होता है अनार उसका हम क्या खाते हैं, तो वो खाते हैं हम सीड कोट पोमीग्रेनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फैमिली ऑफ मेंथा, मेंथा की फैमिली आपकी लैमियसी, ठीक है। उसके बाद है आपका द फैमिली ऑफ मेंथा, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, किस फैमिली में दो कार्पल फ्यूज हैं ओनली एट द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी स्टाइल फ्री है, तो ये आपका एक्सिलपिडेसी एपोसाइनेसी फैमिली में ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। द टेंडरल ऑफ कुकरबिटेसी प्लांट आर इंटरप्टेड बाय एज स्टिपुल्स बाय, तो टेंडरल्स होते हैं कुकरबिटेस प्लांट के आर इंटरप्रिटेटेड एज स्टिपुल्स, इंटरप्रिटेड किया जाता है उस स्टिपुल्स के लिए, तो ये होते हैं एंगलर के द्वारा ये दिया गया था। इस ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ फैमिली पोसेसेस पोलिनिया, और किडेसी में होता पोलिनिया या एपोसाइनेसी, अब एक्सिलपिडेसी को एपोसाइनेसी ही बोला जाता है, ठीक है। तो मोस्ट क्लोज आंसर होगा ओर्किडेसी एंड एपोसाइनेसी, ठीक है। कहाँ कौन से क्वेश्चन पे थे हम, ये होगा ये, हाँ। टोटल नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज इन बेंथम एंड ओकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथम और ओकर ने कौन सा सिस्टम दिया था, नेचुरल सिस्टम। तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें कितनी टोटल एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज थी, तो 199 थी आपकी, ये याद रखना पड़ेगा। सम कुकरबिट आर बिटर इन टेस्ट, कुछ कुकरबिट बिटर होते हैं टेस्ट में, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, किस प्रेजेंस की वजह से, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपिन की वजह से कड़वाहट होती है। तो ये आपके 150 क्वेश्चन हो चुके हैं टेक्स प्लांट टैक्सोनॉमी एंड प्लांट फैमिलीज के, आगे भी आपके लिए क्लासेज आती रहेंगी। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेनिफिट उठाइए, कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। धन्यवाद, थैंक यू।